सिपाहियों तुम लोग कुछ देर के लिए यहाँ से जा सकते हो। आज मैं ये दूसरे कुछ नहीं आए सिर्फ एक दौलत के लिए और आज इस मंदिर पे मैं चले जा रहा हूँ। पहले कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मुझे दोबारा इस मंदिर पे चलना होगा। ये जो सब कुछ देख रही हो ये सब तुम्हारा Thank you.
हाँ मुझे दिखाई दे रहा था। देखिए स्वामी जी, हम लोगों को बांट रखी है लोग, अभी तो बाल ही रखे हैं, अभी तो और पूछ करेंगे। महाराज तुम लोगों ने मेरे साथ में क्या क्या नहीं किया, लेकिन सबसे मैंने आप लोग ये बताए कि तुम लोग कौन हो, क्योंकि इस मुसीबत से मुझे आपने पहचाना नहीं? मैंने नहीं पहचाना कि तुम कौन हो। पहचानो महाराज, मंत्री फाइश है, आखिर बोल पहचान हूँ। हमारा भक्त रणवीर प्रताप सिंह, देख रहे हो इन चारों ने आज हमारी क्या हालत बना रखा है। दूसरे की साड़ी का सदर रखने वाली की इच्छा होते हो हो जाएगा सच्चाई का है। साथियों, पहले इंद्रियों को आराधनों और पानी वाले के सामने आओ, ये भारी न पाए। अगर ये भागते हैं ये हमारी कथा सबसे पहले ये सही विकास मार्ग राजी लाल की तौहीन महाराज, जब पहली बार पहली के अंदर दाखिला दिया तो मैंने महारानी के तरफ सोचा, चलो महाराज ये दूसरी रानी आई है, चल कर आशीर्वाद से रहूंगा, लेकिन सुहागरात मैं ही बना और इष्ट सुहाग से मरिया और वही ये सिपाही गेट पे लगा ये काफी बार पड़वा गेट पे हर कमल आने की आहट ली कि भर जाकर कमल गया तो चंद्रवाली में बना के निकल मेरे पैर में जुटा ले गया। ये मूर्ति के रूप के अंदर और ये अंदर और वो गेट में हमारी तरफ ये आने की आपको सचिव बिहार जाएगी और ये राजभवन की सचिव ये बिहार के सचिव होगी। हाँ इस सचिव में हमारे राजभवन की चली और नहीं है और दूसरी तरफ नाम लिखा हुआ है, लेकिन अमीषा बाबा सिंह के पास रहती थी तो ये तुम्हें बिहार में कैसे मिली? इसका मतलब इस सर्दी में भी हो जा रहे राजमारी चली
चमेली के पास फसल में पूछा और चमेली ने बताया कि तुम्हारे भाई का दूसरा लड़की फटा सुन महाराज के पास जा रहा है और तुम्हारे भाई से पहले महाराज के पास शेर आदमी का आतंक हो रहा है लड़की फटा सुन शेर को रोना नहीं था मैं अपने से पहले ही था और उसी बीच में हमारे जो मेरे बच्चे के फल में खरोच रहा हूं याद रखो आपके बाद वो शहरा चालू रखा चालू खत्म हो जाएगा रहने वाला जापान का है लेकिन वो अपनी कब्र शहरा मुलाकात के अंदर बनेगी आपकी कब्र पर उसकी कब्र पर ऐसा प्रश्न रखवाऊंगा दोस्तों नमस्कार। मुमताज अली भट्टोसा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये हमारा सेकंड चैनल है जो मुमताज अली भट्टोसा चैनल के नाम से प्रचलित है चल रहा है। अगर आपने हमारे सेकंड चैनल मुमताज अली भट्टोसा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हम अपने सेकंड चैनल पे जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो दोस्तों ये तो हम चैनल की बात कर रहे थे, अब हम प्रोग्राम की बात करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा प्रोग्राम की जानकारी देता हूँ दोस्तों, आज 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर दिन शनिवार, और मैंने कल वीडियो में बताया था कि 21 अक्टूबर को हमारा प्रोग्राम गुंदवारा के पास चक्रार है और चक्रार के बगल में बरगधा गांव है, बरगधा में हमारा प्रोग्राम होना है। मैंने ये जानकारी कल के वीडियो में डाल दिया था दोस्तों। आज 21 अक्टूबर है, आज हमारा प्रोग्राम बरगधा में होगा, चक्रार के पास में है, ये रामगंज के बगल में, रामगंज के आगे बरगधा गाँव पड़ेगा और बरगधा में आज हमारा प्रोग्राम है। लेकिन आइए हम 22 अक्टूबर की बात करेंगे। अब हम आने वाले कल के प्रोग्राम की जानकारी दे रहा हूँ, 22 अक्टूबर को हमारा प्रोग्राम कहाँ है ये जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। 22 अक्टूबर दिन रविवार सन 2023 को हमारा प्रोग्राम प्रतापगढ़ ज़िले में होगा। प्रतापगढ़ ज़िले के अंदर लालगंज अझारा है, आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा कस्बा है, छोटा मोटा शहर है, तो लालगंज अझारा के पास एक वर्मा नगर रोड है। लालगंज अझारा से वर्मा नगर रोड निकला है और वर्मा नगर रोड से आप इंटर कॉलेज जाएंगे तो इंटर कॉलेज के पास से एक पहाड़पुर रोड निकला है। पहाड़पुर रोड से आपको 2 किलोमीटर आगे जाना होगा, जब आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो भगतपुर मिलेगा। और आज हमारा प्रोग्राम दोस्तों, कल हमारा प्रोग्राम भगतपुर में ही होगा। हमारे बयाना देने वाले हमारे आदरणीय अरविंद तिवारी जी हैं, अरविंद तिवारी जी के माध्यम से उस क्षेत्र में सारे प्रोग्राम हमारे होते हैं। ये हमारे कंपनी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आधा मालिकाना हक इनका होता है और बहुत ही विशेष तौर से हमारी कंपनी को ध्यान देते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारे प्रोग्राम भी लालगंज हजारा के क्षेत्र में हुआ करते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से ये भी प्रोग्राम है हमारे अरविंद तिवारी जी के माध्यम से। तो दोस्तों
ये 22 अक्टूबर दिन रविवार सन 2023 यानी कल के प्रोग्राम की जानकारी में बता रहा हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर हमारे पास एक ही है, नंबर 75 22 84 50 03। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए ताकि अगर आप कहीं के भी रहने वाले हों तो इस फ़ोन पे बात करके रास्ते की जानकारी ले सकते हैं और आराम से भगतपुर पहुंच करके हमारे कार्यक्रम नौटंकी के प्रोग्राम को देख सकते हैं, यानी 75 22 84 50 03 यानी 7522 84 50 03 ये नंबर है। इस नंबर पे फ़ोन करके आप आराम से पहुंच जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 22 अक्टूबर दिन रविवार सन 2023 यानी कल के प्रोग्राम की जानकारी देने का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो व प्रोग्राम की जानकारी अपने सेकंड चैनल मुमताज अली भटनोसा चैनल पर डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। धन्यवाद।